हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने एस एन डॉट कॉम यूट्यूब चैनल में आप सभी का। जैसे कि देख पा रहे हैं, टीवीएस वीवो का इंजन खुला हुआ है, देख पा रहे हैं। और ये इंजन कैसे फिट हो रहा है इसके बारे में फुल जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को जरूर देखें लास्ट तक। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंजन जो है खुलने का रीजन यह है कि बहुत सारा रीजन हो सकता है इस इंजन खोलने का, पर इसका मेन रीजन है ये। जैसे कि देख पा रही है क्रैंक, ठीक है दोस्तों, ये क्रैंक जब साइड पिले हो जाता है ऊपर नीचे से, जब मारोगे इस तरह तो इसमें साउंड आता है गटगट का। और जो पिस्टन है, ठीक है दोस्तों, जैसे देख पा रही है पिस्टन इधर से सीज मार देता है और खराब हो जाता है, और गाड़ी में जो है धुआं फेंकना स्टार्ट कर देता है, इस वजह से इंजन खुलता है, ठीक है दोस्तों। तो देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं, कैसे फिट होता है एक एक चीज़ दिखाएंगे, फुल जानकारी देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले हम फिट करेंगे क्रैंक, ठीक है दोस्तों। अब क्रैंक फिट करने के लिए थोड़ा सा हल्की हल्की ऑयल लगा लेते हैं इसमें बायरिंग में। और पहले हमने स्क्रू सब क्लीन कर लिया था, इधर भी थोड़ा ऑयल लगाने से क्या होता है कि क्रैंक जो है आराम से बैठ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हमें पहले टाइमिंग फिट करना है, जो कि इस तरह टाइमिंग देख पा रहे हैं। इसका टाइमिंग ख़राब हो चुका था इसलिए हमने नया डालना है। अगर टाइमिंग चेन आपको डाउट लगे तो ऐसे करके चेक कर सकते हैं, जैसे कि देख पा रही है इसका टाइमिंग चेन, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि ऐसे फिट कर देगा तो फिर ये बाद में दिक्कत आ सकता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि देख पा रहे थे वो टाइमिंग चेन जो था दूसरा गाड़ी का छोटा था, अभी ये बराबर टाइमिंग है, ठीक है दोस्तों। ये टाइमिंग चेन अभी इसका है, तो ये आराम से डाल सकता है, ठीक है दोस्तों। उसमें क्या होता है कि क्रैंक में जो है फिट तो हो जाता था, लेकिन बाद में जब टाइमिंग मिला होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए पहले इधर टाइमिंग जिन को ऐसे करके रख देना है, फिर इधर ध्यान देना है कि इधर एक सील है, जो कि इधर एक सील है और लगा देना है, ठीक है दोस्तों। जैसे हमने पहले लगा दिया है, उसके बाद हमने इसमें ऑयल तो लगा दिया था, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा सूख गया देर होने की वजह से, फिर से लगा देते ऑयल, फिर वायरिंग वायरिंग में लगा देते हैं, फिर फाइनली ये क्रैंक हमें फिट करना है, ठीक है दोस्तों। ये मैन चैम्बर है, मैन चैम्बर में क्रैंक को फिट करना है, ठीक है। ये बहुत ही आराम से बैठेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा। ये अब मैंने भी बैठ चुका है, मशीन को लगा देना है। तो हम ये सेकंड चैम्बर फिट करना है, ठीक है दोस्तों। ये सेकंड चैम्बर में बॉन्ड लगा देना है, पहले इसमें पैकिंग नहीं होता इसलिए बॉन्ड लगाना अच्छी तरह। फिर बॉन्ड लग जाने के बाद फाइनली हम सेकंड चैम्बर फिट करेंगे, ठीक है दोस्तों। ला देते हैं बॉन्ड को, ठीक है दोस्तों। फाइनली हम अच्छी तरह बॉन्ड लगा लिया, इधर भी लगा देना है क्योंकि इसके अंदर जो इंजन का यार आता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से यार इधर से हेड में बाहर आता है, इधर से ऊपर से, फिर फाइनली हमें इसको लगा देना है, ठीक है दोस्तों। इधर भी एक ऑयल सील होंगे जो कि लगा देना है, ठीक है दोस्तों। पहले हमने लगा दिया है, उसको ध्यान देना है, लगा देना है, फिर फाइनली आराम से बैठा देना है,
क्लियर की चोट मार के। दूसरी पर ये पूरा बैठ चुका अच्छी तरह, इसके नट बोल्ट लगा रहे हैं, 8 नंबर के बोल्ट होंगे। तो ये भी 8 नंबर बोल्ट है, जो कि कितना है देख सकते हैं, इसमें 4 अक्षर 8 बोल्ट है, जो कि सभी बराबर है, इसमें बड़ा छोटा तो नहीं दिख रहा है, सब बराबर है। ठीक है, उसको वैसे करके लगा देना है। खोलते समय जैसे अब खोला था वैसे आपको लगा देना है, और एक ध्यान रखना इसके अंदर ये वाला होल जो है इसके अंदर भी बोल्ट होगा। ठीक है, उसको जैसे इधर भी लगा देना है ये बोटी के मदद से, फाइनली बैठा देना है। हल्की हल्की हाथों से सारे बोल्ट टाइट करना है। ठीक है, उसको एक साइड से नहीं करना, ऑपोजिट करना है, इधर इधर का और उधर का। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके अच्छी तरह पूरे बोल्ट को टाइट कर देना। ठीक है दोस्तों, फाइनली पूरा बोल्ट टाइट हो चुका है। अब एक बार हल्के हल्के हाथों से चेक कर लेना है कि टाइट हुआ या नहीं। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई बोल्ट जो है वो लूज नहीं रह पाएगा, सारे बोल्ट टाइट हो जाएगा। आपको एक बार कन्फर्म कर लेना। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अब इंजन का सेंटर असेंबली हो चुका है क्रैंक, तो उसके बाद ये जब जैसे कि सेंटर चेंबर टाइट हो गया है, तो क्रैंक को घुमा के देख लेना है, सही फ्री चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये फ्री चल रहा है, तो हमें ये ऑयल पंप का गियर लगाना है, इसका उल्टा सीधा नहीं है, कैसे भी लगा सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, इसी में ऑयल पंप चलेगा इसका। एक बार थोड़ी सी ध्यान देना, यहाँ एक पिन होंगे क्रैंक में। ठीक है दोस्तों, ये दिख पा रहे हैं, और ये गरारी में एक कटिंग है जो जो कि उसमें मैच कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये अंदर को गया, उसके बाद एक लॉक होंगे इस तरह का। ठीक है दोस्तों, इसको ही बैठा देना है ये लॉक प्लेयर की मदद से। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे करके ये लॉक को बैठा देना है खांचे में, उसमें खांचा होता है, जैसे कि ये खांचे में बैठ चुका है। उसके बाद हमें ये प्लेट कवर जो होता है इसको लगाना है, लगाने से पहले थोड़ी सी इसमें बॉन्ड लगा देना है। बॉन्ड लगाने के बाद फाइनली इसको फिट कर देना है। फिर सब ध्यान से देखोगे तो कैसे इंजन फिट होता है आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिर उसके वीडियो को पूरा देखें, और इसमें एक सील लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, जो कि हमने नया लगाया है, इसको भी पूरा अंदर करके बैठा देना है। ठीक है दोस्तों, और इधर एक बूस्ट होंगे इस तरह का, जो कि ये होना चाहिए, जो कि इसके प्लेट के अंदर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली इसको हम लगा देते हैं, और अंदर कोई काम नहीं है, हल्की हल्की चोट मारना है, ज़्यादा चोट नहीं मारना है। तो उसके बाद हमें ये दोस्तों स्टार वाले इस तरह का बोल्ट होंगे, ये भी लगा देना है। ओके, टाइट कर देना अच्छी तरह। सबको टाइट कर देना है। ये वाला बोल्ट थोड़ा डैमी है, क्योंकि ऐसा बोल्ट मिलता नहीं है, तो टाइट कर तो देखते हैं, अगर टाइट हो जा पाए तो ठीक है, नहीं तो चिंता रहेंगे। तो ये टाइट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब ये कॉइल प्लेट को लगाना है। एक स्क्रू खराब था, इसलिए हमने दूसरा लगा दिया, लेकिन टाइट हो चुका है। अब
ये भी टाइट हो चुका है। इसके बाद हमें मैग्नेट फिट करना है। तो मैग्नेट फिट करने से पहले एक कटर होंगे इस तरह का, ये लगा देना है वाले खांचे में, स्प्रिंग में खांचा अच्छे से बैठा देना है। फाइनली मैग्नेट कॉइल अब फिट हो चुका है, उसके बाद हमें मैग्नेट फिट करना है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे करके काटर में मिलाते हैं थोड़ा सा प्रेस करके, जैसे कि मैग्नेट अब बैठ चुका है। उसके बाद इस तरह का 17 mm का नट होंगे जो कि लगा के गन की मदद से टाइट कर देना है। जैसे ये टाइट हो चुका है, उसके बाद हमें सेंटर स्टैंड लगाना है। सेंटर स्टैंड लगाने के बाद जो है हमें क्लच फिट करना है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि फाइनली सेंटर स्टैंड लगा दिया है, उसके बाद हमें क्लच फिट करने से पहले ये इस तरह का बूस होंगे जो कि उसके अंदर लगाना है। ठीक है दोस्तों, और एक बार देख लेना ध्यान से कि इसके अंदर एक वायरिंग है। ठीक है दोस्तों, जो प्लेन साइड है वो बाहर साइड रहेगा, जो अंदर में ज़्यादा गैप है वो अंदर साइड में रहेगा। ठीक है दोस्तों, और उसके अंदर एक ओरिंग लगी हुई है जो रबर बैंड बोल सकते हैं, वो होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं रहेगा तो इधर से ऑयल लीक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए थोड़ा ध्यान दे के वो ओरिंग को लगा देना है। फिर फाइनली बूस को प्रेस करते हुए अंदर को बैठा देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये क्लच वाइब्रेटर जो कि इसके अंदर हल्की सी ग्रीस लगा देना है बुश के अंदर। उसके बाद रोलर है जो कि 6 पीस होंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ग्रीस व्रीस नहीं लगाना है, सीधा इसे ही फिट कर देना है। अब इस तरह फिट होगा इसलिए इसका रोलर का ओपनिंग साइड भी होता है और एक जो अंदर साइड में है थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ रहेगा। जो ओपनिंग साइड है वो जैसे कि हम बैठा रहे इस तरह करके बैठा देना है। ठीक है दोस्तों, अब अपनी साइड कौन सा होता है अब कैसे पता करें, एक तरफ दिख रहे होंगे ये जो ये प्लास्टिक का टुकड़ा है, प्लास्टिक वो ज़्यादा अंदर को है और जो मेटल बाहर दिख रहे होंगे एक तरफ से, उसको ऐसे करके फिट कर देना। उसके बाद ये जलेबी प्लेट है जो कि ये प्लास्टिक वाली बुश है, इसको बैठाते हुए फिर फाइनली फिट कर देना। ठीक है दोस्तों, अब वाइब्रेटर में यूँ फिट होगा जैसे कि अब हम फिट कर रहे हैं, आपको ऐसे ही फिट कर देना है जैसे ये बैठ गया। उसके बाद एक बुश होंगे जो इस तरह है, अभी इस बुश को अंदर प्रेस करके लगा देना है। ठीक है दोस्तों, अब ये इजीली जाना चाहिए, ये अंदर लूज रहना चाहिए, अगर जाम रहेगा तो फिर सही क्लच काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो बूस लूज है, फाइनली हम फिट कर देते हैं। उसके बाद इस तरह का बेल्ट है जो कि इधर फंसा देना है पहले। ठीक है दोस्तों, अब फंसाने के बाद ये ट्रैप प्लेट है जो कि इसे लगा देना है हल्की सी पॉलिश करके रेग मेल की मदद से, अब इसको फिट कर देना है इस तरह। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये फिट हो चुका है, उसके बाद एक बूस आएंगे, उसके पीछे एक वाशर होता है, वो वाशर मिस हो गया तो कोई बात नहीं है, हम इसी को टाइट करके देखते हैं बूस लगा के। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद ये एक नट होंगे बड़ी वाली जो कीकर इसी में चलता है, की रैचेट भी बोल सकते हैं इसको, इसका थ्रेड उल्टा होता है, आप ध्यान देना, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, थ्रेड ये उल्टा चढ़ेगा, सीधा चढ़ाओगे तो नहीं चढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको उल्टा टाइट करोगे तो यानी कि खोलोगे तो ये टाइट होगा और टाइट करोगे तो ये खुलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये क्लच पुल्ली है, उसके अंदर थोड़ा सी ग्रीस लगा के बेल्ट में फंसा के अंदर अपने बाहर की साइड में थोड़ा प्रेस करते हुए फिर अंदर को बैठा देना है। जैसे कि बैठ चुका है आप देख सकते हैं, ये आपको बैठा देना है।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये क्लच होजिंग है जो कि क्लच कटोरा बोल सकते हैं इसको। उसके अंदर भी थोड़ी सी रिगमाल मारते हुए फिर अंदर को बैठा देना है, ठीक है दोस्तों, क्लच पुल्ली में। उसके बाद इस तरह का वाशर है जो स्प्रिंग वाशर है। उसके बाद 17 mm का नट होंगे जो कि लगा के अब दोनों को टाइट कर देना है, ठीक है दोस्तों। पहले इस वाले को टाइट कर लेते हैं, जैसे ये टाइट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद आगे वाले नट को, उल्टा थ्रेडे वाले नट को भी टाइट कर देना है, ठीक है दोस्तों। जैसे ये हम टाइट कर रहे हैं आपको ऐसे कर देना है। अगर आपके पास गन नहीं होगा तो आप ड्राइव प्लेट को पकड़ के सॉकेट बॉक्स की मदद से टाइट कर सकते हैं। और टाइट करने के बाद हिला के देख लेना चाहिए कि ये लूज़ तो नहीं रह गया, ये ड्राइव प्लेट लूज़ नहीं रहना चाहिए। अगर लूज़ रहेगा तो साउंड आ सकता है इसमें, ठीक है दोस्तों, इसलिए एक बार इसको चेक कर लें। फाइनली अब क्लच फिट हो चुका है। उसके बाद हमें क्लच कवर फिट करना है, ठीक है दोस्तों। सही से वीडियो देखोगे तो उम्मीद है कि आप इंजन बंद लोगे, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक है दोस्तों। ऐसी वीडियो देख के आप भी इंजन बांध सकते हो। तो फाइनली अब क्लच कवर में थोड़ी सी ग्रीस लगाते हुए किक सपोर्ट में अब क्लच कवर को बैठा देते हैं, जैसे कि ये बैठ चुका है। उसके बाद सारे के सारे बोल्ट को टाइट कर देना है, ठीक है दोस्तों। अब सारे बोल्ट को टाइट करके फिर बाद में हम सीखेंगे कि पिस्टन और हेड यानी कि हाफ इंजन कैसे फिट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी सेकेंड पार्ट में वो मिल जाएगा वीडियो। अभी के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। TVS मॉडल का इंजन है, इसके हम फिट करने वाले हैं पिस्टन, ठीक है दोस्तों। पिस्टन का रिंग्स कैसे फिट होता है वो हम दिखाएंगे और सही जानकारी देंगे डिटेल से, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो वीडियो को स्किप पूरा बता दें, जरूर देखें। चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, तो वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। रिंग्स को कैसे फिट किया जाता है वो दिखाएंगे, फिर सिलेंडर कैसे बैठाया जाता है, फिर लेके हाथ में रिंग कैसे फिट होता है, ठीक है दोस्तों। देखने होते शुरू होते हैं, पिस्टन ये जैसे कि देख पा रहे निशान को दिया हुआ है, ये चिना ये एक्स्ट का है यानी कि ये साइलेंसर साइड का है, ठीक है दोस्तों। और ये बड़ी वाली ये कैप है कार्बोरेटर साइड में जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये अंदर साइड ही मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है रिंग्स, रिंग्स में ये दोस्तों रिंग्स इस तरह होता है जो कि दो मोटी वाली रिंग है, ठीक है दोस्तों। और ये तीन मिला के एक स्पेंडल ऑयल रिंग बनेगा, ठीक है दोस्तों। और इसको फिट कैसे किया जाता है और दिखाता है, ठीक है दोस्तों। देखना ध्यान से कैसे फिट होता है। जैसे कि ये इस तरह बैठेगा तो हमने इधर एक लॉक लगा चुका पहले, ठीक है दोस्तों। ये सारे ये लॉक है, ये बिठा दिया। दूसरे वाला लॉक क्रैंक के साथ में ये गेजन पिन, ठीक है दोस्तों। इस तरह गेजन पिन इसके अंदर डालते हुए क्रैंक में करने के बाद लॉक बैठाएंगे। तो अभी फिलहाल बात कर लेते हैं ये वेल्डिंग कैसे बैठता है, ठीक है दोस्तों। तो हम फाइनली इसको ऐसे बैठाते हैं, यह सेंटर में रखना कार्बोरेटर के साइड में, ठीक है दोस्तों। और ये हमेशा रखना यहाँ सही में, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं ये इस तरह बैठेगा तो ये हो गया यहाँ, ठीक है दोस्तों। इसका जो कटिंग का निशान है ओपनिंग में, ये आप देख पा रहे होंगे, ये हम सही में रखना है, समझ सकते हैं। ये हम सही में करके
फिर तो हम सही में करते हैं, सेंटर में करना है। उसके बाद एक बार इस तरह घुमाते हैं, घुमाते हैं। ये बाकी जो ओरिजिन्स है पतली वाली, इसको हमें फिट करना है दोस्तों। इसका उल्टा सीधा नहीं होता है, बहुत आदमी का डाउट होता है इधर ऐसे ऐसे दबा के दिखता है करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत ही तो एक बार घुमाने के बाद ये अपने लिए यहाँ बैठा देना है इस साइड, ठीक है दोस्तों। सेंटर में नहीं अपने, तो से बैठाना है इसको। बैठ चुका है, ठीक है दोस्तों। उसको एक बार घुमाना है दूसरे वाले रिंग को, ऐसे ही रखना है आगे साइड में, ठीक है दोस्तों। इधर ये अब हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का, ठीक है दोस्तों। जैसे कि वेल्डिंग होगी सेंटर में, कार्बोरेटर साइड में, इधर सेंटर में वेल्डिंग। उसके बाद एक बार घुमाते हुए ये आगे का ये वाला खाँचा देख रहे हो ना, ये खाँचा इस वाले के साथ में ये वेल्डिंग, ठीक है दोस्तों। जैसे कि पा रही है, और उसके बाद तीसरा रिंग जो है ये एक बार घुमाते हुए ये आगे के साथ में यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा वेल्डिंग का काम खत्म, 30 डिग्री में भैया। इसमें होता है टॉप वन और टॉप टू, ठीक है दोस्तों। ये दो कंप्रेसर रिंग है, टॉप टू लिखा हुआ रहता है, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है टॉप टू, जो कि काली वाली रिंग है वो इस सेकेंड वाले खाँचे में रहेगा, ठीक है दोस्तों। आपको सही से दिखा दूँ, ये टॉप वन होता है इसका पिस्टन का ये वाला, ठीक है दोस्तों। ये टॉप वन है और ये लास्ट वाला सेंटर वाला ये टॉप टू है, ठीक है दोस्तों। ये रिंग्स में भी टॉप वन और टॉप टू लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये पहले टॉप टू को फिट करते हैं ये काली वाली रिंग, ठीक है दोस्तों। तो फिर जैसे कि एक बार और घुमाया, फिर फाइनली हम इसको बैठाते हैं। तो बैठाने के समय ध्यान देना है ये स्क्रैच ना आ जाए, तो जैसे हम बैठा रहे बहुत ही प्यार से, वैसे स्क्रैच नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो वैसे करके अपने ही साइड में इधर साइड को करके फिट कर, फिर एक बार घुमाते हुए ये टॉप वन जो रिंग है, ठीक है दोस्तों, ये टॉप वन का रिंग है, इसको हमें फिट करना है। जैसे कि ये फिट कर दिया, और एक बात बता दूं कि ये पिस्टन जो है ये उषा कंपनी का पिस्टन है, ठीक है दोस्तों। ये उषा कंपनी का ही सही रहता है। एक बार दिखा दो इसके सही से रिंग्स, ठीक है दोस्तों। ये हो गया कार्बोरेटर साइड में, यहाँ ऑयल वाली रिंग, जाली वाली रिंग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये हो गया हमारा ये ऑयल रिंग, ठीक है दोस्तों, दूसरा वाला। और तीसरा वाला जो ऑयल रिंग है हमारा हो गया यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया ऑयल रिंग, ये हो गया वो दूसरा, ये तीसरा। और उसके बाद ये कंप्रेसर रिंग का ये टॉप टू लिखा है, वो इस तरह पे आगे के साइड में नहीं है, थोड़ा पीछे के साइड में, ठीक है दोस्तों। अब एक बार घुमाने के बाद दूसरा कंप्रेसर रिंग, वो भी आगे के साइड में नहीं है, वो पीछे के साइड में। जैसे ये ऑयल रिंग आप आगे के साइड में फिट किए हैं, तो वैसे ही सेम इस दोनों को पीछे साइड में करते हैं फिट करना है, और एक बार घुमाते हैं, ठीक है दोस्तों। फाइनली ये हमारा फिट हो गया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए, और इसके अच्छे से साफ सफाई रखें, अच्छे से क्लीन करके फिट किया जाता है। कचरा रहेगा तो मुश्किल है, ठीक है दोस्तों। फिर ये सिलेंडर ब्लॉक में भी थोड़ा सा ऑयल लगा देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें फाइनली पिस्टन को सेट करना है इधर। जैसे कि आप देख हमने बताया था ये कार्बोरेटर के साइड में है, तो ये सिलेंडर में एक बार जरूर देख लेना है कार्बोरेटर साइड कौन सा है, ठीक है दोस्तों। ये ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये बहुत ही आराम से चल गया, उसके बाद एक बार चला कर देख लेना है, ठीक है दोस्तों। जैसे ठीक चल रहा है, तो फिर ये पिस्टन को आप बाहर करते हैं थोड़ा सा,
गजन पिन फिट करने के लिए। ये फिर बाहर हो गया। अब फाइनली इसको हम गजन पिन को इधर ही थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। उसके बाद फाइनली अब इंजन में सेट करना है। उसके लिए सबसे पहले इस तरह का दो बोस होंगे, ठीक है दोस्तों, जो कि फिट कर देना है। फिर ये पैकिंग की ज़रूरत पड़ेंगे, जो कि इस तरह का पैकिंग आता है इसका, आप सही से देख लेना। इस तरह का पैकिंग आता है वो फिट करते हुए। फिर हम सिलेंडर को फिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें हम बोंड या ग्रीस कुछ भी नहीं लगाते हैं, आप ऐसे ही लगा सकते हैं। ये आजमाया हुआ है, लीक नहीं होता है। और इस तरह पिस्टन जो है बहुत फिट कर चुके हैं, अभी तक 100 के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह बहुत ही बढ़िया चलता है गाड़ी, ठीक है दोस्तों। इस तरह करके तो डालते हुए इधर से थोड़ा सा कपड़ा रखना। इस तरह का ये लॉक है, ठीक है दोस्तों, पिस्टन में फिट कर देना है। इस तरह पिस्टन है, ये लॉक को पिस्टन में फिट कर देना है। ये गजन पिन जो है बाहर ना निकले, कोई मुश्किल नहीं। बहुत प्यार से गाड़ी है दोस्तों, ऐसे ही प्यार से रखते हैं। मुश्किल हो जाएगा, पिस्टन में स्क्रैच आ सकता है या पिस्टन आउट हो सकता है या काम करता है। बहुत ही आराम से बैठता है ये दोस्तों, जैसे कि ये बैठ चुका है। वो थोड़ा सा चला के देखना, जैसे कि पिस्टन अंदर बाहर हो रहा है, यानी कि सही चल रहा है। तो जब रिंग्स जो है इसके अंदर फंसा हुआ रहेगा तो पिस्टन जाम चलेगा, ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान जरूर। जैसे कि अब ये फाइनली फिट हो चुका है सिलेंडर को फिट। इसके बाद हमें फिट करना है, हमारे यहाँ लेद में ये वाल्व उधर से सेट करके देता है, आपको उधर लेद में कैसे कैसे काम करके देता है, सेट करके देता है या नहीं, ये वाल्व बैठा के देता है या नहीं, कमेंट जरूर करना, ठीक है दोस्तों। हमारे इधर लेड में ही फिट करके देता है इंडस्ट्री। इसमें दो बूस आएंगे जो कि इस तरह, ठीक है दोस्तों, फटाफट से डाल देते हैं। फिर उसके बाद हमें पैकिंग चाहिए होंगे, पैकिंग ठीक दोस्तों, हमें बॉन्ड लगाना है, ठीक है दोस्तों, मेरा है बॉन्ड खाना बॉन्ड, ठीक है दोस्तों। ये वाला बॉन्ड बहुत ही बढ़िया है, ये अच्छा काम करता है, ठीक है दोस्तों। अब मार्केट में अवेलेबल है इस तरह का बॉन्ड, आप यूज़ कर सकते हैं। तो पैकिंग में अब हल्की हल्की बॉन्ड लगा देते हैं, लगा रहे हैं ऐसे, आपको लगाना है। ये बहुत ही ईजीली काम कर रहा है, आप ऐसे करके लगा सकते हैं, जल्दी से काम होता है इसमें दोस्तों। ऐसे ही करके फुल बॉन्ड लगा लेते हैं इधर से भी, इधर से भी, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये पैकिंग लगाने से पहले ये बोर्ड में लगा देना है। उसके बाद जो है इस तरह का ये चैन पेड आता है, ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। अगर आपका टूटा होगा तो आप जो है मंगा सकते हैं ऐसे करके देख के, ठीक है दोस्तों। इसको चैन के नीचे इसको फंसा देना है, ठीक है दोस्तों। ये बैठाने के बाद ये थोड़ा ऊपर नीचे करके देखना है कि अंदर साइड वाली जो है ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं, अंदर साइड वाली ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली अब हमारा पैकिंग को बैठा देते हैं। उसके बाद हमें हेड फिट करना है, ठीक है दोस्तों। ये हेड जो है पहले बता चुके हैं कि हमारा ऑयल जो है वो पहले से फिट कर रहा है, इसको हम बैठाते हैं। इसमें कोई झंझट नहीं है, उसका काम के अंदर है। जैसे ये बैठ चुका है, अब बारी है पानी मिलाने की। मैन पॉइंट वही है, बहुत ही ध्यान से देखना टाइमिंग कैसे मिलता है इसका, ठीक है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, टाइमिंग मिलाने के लिए इस तरह का ये कैम सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये डिकम्प्रेसर काम करना चाहिए। यहाँ देखो जैसे ये स्प्रिंग के साथ में ये हिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये इस तरह प्लेट होना चाहिए और ये कटिंग वाली वॉशर बोल्ट और एक ये नीडल। ठीक है दोस्तों, अब देर न करते हैं, शुरू करते हैं फटाफट से फिट करते हैं। ये कटिंग वाले वॉशर जैसे कि बताए थे यहाँ बैठा देना है, जैसे कि हम बैठा रहे हैं ऐसे आपको बैठा देना है। उसके बाद ये कैम शाफ्ट को ऐसे करके बैठा देना है। कैम शाफ्ट बैठाने के लिए ये जो वॉशर लगाया था वो वायरिंग को रोकने के लिए, कैम शाफ्ट जो है इसको रोकने के लिए। ठीक है, इतना ध्यान देना। और जो नीडल था वो इधर इस वाले इसमें ये वाला मार ऊपर नीचे करते हुए मिला देना। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात है कि ये मैग्नेट का भी पॉइंट देख लेना है कि ये आमने सामने है कि नहीं। इधर इसका इधर रहता है इसका टॉप। ठीक है दोस्तों, जैसे देख पा रहे यहाँ बिल्कुल बराबर में है और इधर से भी ठीक है यानी। ठीक है दोस्तों, ये पैड मिस हो गया था, ये टाइमिंग प्लेट फिट करने से पहले ही आपको इस तरह फिट करना है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो ये टाइमिंग चेन टाइट होने की वजह से नहीं बैठेगा। दोस्तों, इसको पहले हल्के हाथों से टाइट कर देना है। आप देख सकते हैं इधर वीडियो ये वाली इधर बोल्ट के साथ में। ठीक है दोस्तों, लेकर के टाइट करना है, इसके बाद टाइमिंग मिलाना है। ठीक है दोस्तों, पैड लगाने के बाद ये बोल्ट को लगा देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये टाइमिंग मिल चुका है, उसके बाद ये 8 नंबर का बोल्ट टाइट करके ये प्लेट जो है वाशर प्लेट को लॉक कर देना है 8 नंबर के बोल्ट को। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अभी ये हेड कवर को फाइनली फिट कर देना। हमने बोल्ट लगा लिया सही से, फिर ये बैठा देना है। ठीक है दोस्तों, और एक बात की ध्यान रखें, ये हेड काम करते समय ऑयल का जो लाइनिंग है उसको ध्यान में रख। दोस्तों, हेड कवर फिट कर दिया, फाइनली बोल्ट को टाइट करना। गन से टाइट करते होंगे तो गन में पावर ज़्यादा और कम करने का होता है। अब पावर को कम करके टाइट करें। नट टाइट हो चुका है, अब बारी है टाइपेट को मिलाने का। टाइपेट को पिस्टन को टॉप में रखते हुए टाइपेट को देखना है कि ऐसे ऐसे थोड़ा सा पिले होना चाहिए, ऊपर नीचे हल्का अगर होगा तो ठीक है, ज़्यादा होगा तो साउंड होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके आप दोनों को मिला सकते हैं। तो जैसे कि इसका टाइपेट सही है, मिलाने का ज़रूरत नहीं है, साइड पिले भी है, ऊपर नीचे थोड़ा पिले है बस, इतने में साउंड नहीं आएगा। ऐसे आप टाइपेट को सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें ये टेंशनर को फिट करना है। ठीक है दोस्तों, ये फाइनली अब टेंशनर को फिट कर लेते हैं। यस, जो चेन एडजस्टर होता है इसी इधर बोन लगा के। ठीक है दोस्तों, इसमें वायरिंग लगी हुई है, इसमें अब बोन लगा के फाइनली इसको हम कट कर देते हैं। इस पैसे भी लगा दो, ये लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 10 नंबर का थ्रेड होता है, गेट का बोल्ट लगा सकते हैं या एलिंकी है, इसमें तो एलिंकी बोल्ट है तो हम एलिंकी बोल्ट काट करेंगे। ठीक है दोस्तों, थ्रेड होता है 10 नंबर का थ्रेड वाला बोल्ट लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें चेन को एडजस्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये टाइम चेन ना आए तो ज़्यादा टाइम नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये 10 नंबर का
बोर्ड पर। ठीक है दोस्तों, फाइनली अब ये हमारा इंजन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब ये रह गया खाली फाइबर वायर साइलेंसर प्लग। ठीक है दोस्तों, ये सब करके हमारा इंजन अभी पूरा ओके हो गया। हमें उम्मीद है कि आप वीडियो देख के फुल जानकारी मिल चुकी है। ऐसे ही आप वीडियो देख के पूरा इंजन का काम कर सकते हैं। अगर कस्टमर हो तो आप देख सकते हो फिर भी कि कैसे काम होता है इंजन में। और आपके गाड़ी में अगर क्रैंक का आवाज आ रहा है या धुआं आ रहा है तो आप जाके मैकेनिक से दिखाकर काम करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी के लिए इतना, फिर मिलेंगे।